नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा बेबर में समाजवादी पार्टी के बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादे झूठ व फरेब बताए गए। सरकार ने वादे में कहा किसान की आमदनी दुगनी करा दें का वादा किया था, अपने वादे पर खरी नहीं उतरी, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी जमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहिष्कार किया। जूनियर हाईस्कूल ग्राम हजारा बेबर बूथ सम्मेलन में मीटिंग रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय जिला अध्यक्ष खुमान सिंह वर्मा, महासचिव सुखवीर सिंह यादव, पूर्व मंत्री आलोक साक्य आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। सर, ये बताइए, जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन बूथ सम्मेलन हुआ है, ये किस प्रकार आपने रखी है मीटिंग, आप ये आप बता दीजिए। समाजवादी पार्टी जनपद मैनपुरी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर के सेक्टर प्रभारियों के कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं जी। हम अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं जी। अपने गठबंधन की बात बता रहे हैं और उसे जागरूक कर रहे हैं, उसमें धार दे रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल देख रहा हूँ कि हमारा सुस्त तो नहीं है और कुछ नहीं है, सबको संगठित करके, सबको निर्देश दे करके सभी बिल्कुल अलर्ट हैं। और आने वाले समय में 19 के चुनाव में हमारे सब कार्यकर्ता बसपा के कार्यकर्ताओं से मिलकर के इस आत्ताई और जालिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो सर, जो सरकार है जनता भारतीय जनता पार्टी की, ये किसानों के जो किसान इस टाइम परेशान है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसान तो इस सरकार का छलावा पे तो आई ही है जी। किसानों को ये कह के एक दोगुनी आमदनी कराएंगे जी, 15-15 लाख रुपया तुम्हारे खातों में करेंगे जी, है ना, और ताके बाद कर्जा माफ़ करेंगे। ना खाते में जो आ गया अब सब किसान जानता है, कर्जा किनका कितना माफ़ हुआ वो भी किसान जानता है जी। किसान ही छला, ये पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं जी। पूंजीपति पार्टी है, पूंजीपतियों का संरक्षण करती है जी। वो उद्योगपति इस देश सरकार को चला रहे हैं, पूंजीपतियों का मैनेज करके, मीडिया को मैनेज करके ही इन्होंने जो है झूठ बोल के ये सत्ता काबिज हुए हैं। ये किसान और मजदूर इसके एजेंडे में नहीं है, इसलिए सब किसान मजदूर संगठित होकर इस सरकार आत्ताई सरकार को धराशायी करेंगे जी।